हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इवेंट के बारे में जिसका आप वेट काफी बेसब्री से कर रहे थे। और गाइस, अब उसकी डेट सामने आ चुकी है कि वो कब है। इसलिए गाइस, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको फिन बैलर के AEW जाने के बारे में, इसके अलावा क्या रही इस वीक की मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप, इन सब चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या रही WWE की शोज यानी कि मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप। तो गाइस, सबसे पहले बात कर ले स्मैकडाउन लाइव की, तो जहाँ पर पिछली वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप थी 2.137, वो अब घटकर हो चुकी है 1.841 मिलियन व्यूअर्स। इसलिए गाइस कह सकते हैं कि इस वीक के स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप में काफी ज्यादा नुकसान आया है। तो अब बात कर ले मंडे नाइट रॉ की, तो जहाँ पर पिछले वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 2.703 मिलियन व्यूअर्स, वो अब घटकर हो चुकी है 2.510 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस, मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप कम रहने का रीजन तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि हमें सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिले इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और गाइस, हम सब ने ये भी देखा कि हमें स्मैकडाउन लाइव से बैकी लिंच भी आते हुए दिखी थी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, लेकिन कह सकते हैं कि बैकी लिंच ने भी ज्यादा मदद नहीं कर पाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बढ़ाने में। तो गाइस, ये तो थी इस वीक की स्मैकडाउन लाइव और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो की जुड़ी है फिन बैलर के AEW जाने के बारे में। तो गाइज, आप सब यही सोच रहे होंगे कि यह अचानक से कहां र्यूमर आने लगा कि फिन बैलर भी जा सकते हैं AEW में। तो ये सब चीजें कहीं और से नहीं, ये सब चीजें फिन बैलर ने ही हमें हिंट करी है। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले तो फिन बैलर ने एक फोटो पोस्ट करी है Y2J क्रिस जेरिको के साथ, और आप सब जानते ही है कि क्रिस जेरिको जुड़े हुए हैं AEW कंपनी के साथ। और इसके बाद फिन बैलर ने एक और फोटो डाली जहां पर वो हमें देखने को मिल रहे हैं नेविल के साथ। और गाइज, आप सब जानते ही है कि नेविल भी जाने वाले हैं AEW में। और गाइज, ये दो पोस्ट का मतलब तो दो ही चीज हो सकता है। पहला कि फिन बैलर हमें ये हिंट कर रहे हैं कि वो छोड़ सकते हैं WWE और वो जा सकते हैं AEW की कंपनी में, और दूसरा ये कि फिन बैलर हम सबसे सिर्फ एक माइंड गेम खेलना चाहते हैं, यानी कि वो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो जाने वाले हैं AEW में। और अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि फिन बैलर कहीं भी जाने वाले हैं WWE छोड़कर। सो गाइज, ये तो थे फिन बैलर के AEW जाने के रिलेटेड कुछ चीजें। अब बात कर ले अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है एक बहुत ही बड़े इवेंट के बारे में, जो कि हमें फिर से कुछ ही महीनों में देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, ये इवेंट कहीं और नहीं, ये इवेंट होने वाला है सऊदी अरेबिया में। आप सब जानते ही है कि पिछले साल हमें दो दो इवेंट देखने को मिले थे सऊदी अरेबिया में। पहला था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल और दूसरा था क्राउन जूल। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं कि WWE की सऊदी अरेबिया के साथ 10 सालों की डील साइन हुई है, जिसके वजह से गाइस इस साल भी हमें WWE के इवेंट्स होते हुए दिखेंगे सऊदी अरेबिया में। और गाइस, पहली शो यानी कि सऊदी अरेबिया में होने वाले पहले शो की डेट सामने आ चुकी है, जो होने वाली है 3 मई 2019 को। और गाइज, ये तो पता नहीं चल पाया है कि क्या इस साल भी हमें ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल ही देखने को मिलेगा या फिर कोई और शो। बट गाइज, इसके रिलेटेड जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन गाइज, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि आप सबको क्या लगता है कि इस साल भी हमें ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल ही देखने को मिलेगा या फिर कोई और शो। इसके अलावा गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।